closing in. I was alone and so afraid. Couldn't see the light. No. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों अब जो है हम लोग एक नए सफ़र की तरफ निकले हुए हैं, और वो मतलब ये सोचते सोचते हो गया कि 3 महीना हो गया लगभग। हम लोग कलकत्ता से और पटना तक हम लोग साइकिल से जो आए हुए थे, उसके बाद हम लोग 3 महीना हो गया सोचने में कि भाई अब आगे कहाँ चला जाए। तो ऐसा डिले हो गया है, लेकिन कोशिश करते हैं आपकी मतलब लंबे समय के लिए निकला जाए। तो अभी क्या है कि सोचने में प्रोग्राम हो गया कि भाई कहाँ चला जाए, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ हम लोग का प्रोग्राम बना है। तो हम लोग आज निकलने वाले हैं। तो अभी निकल के अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये हम लोग रक्सौल स्टेशन पे आ गए हैं और यहीं से अपना जर्नी शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग आगे और बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर पाएँ। तो फिलहाल अभी लगा है भूख, तो थोड़ा खाना वगैरह खा लेते हैं और खाना खा के फिर आगे आपको अपडेट देते हैं कि भाई आगे और क्या करना है हम लोग को। तो भैया खाना वाना खा के हम लोग रेडी हो गए हैं और हम लोग बीरगंज की तरफ निकल रहे हैं। तो भैया से पूछते हैं कि भैया इस तरफ का किराया लगता है, तो भाई बीरगंज के लिए क्या किराया लगता है? बॉर्डर जाना है। हाँ, बॉर्डर के पास 20 रुपये लगेगा। तो बॉर्डर पार भी कराते हैं कि बॉर्डर? बॉर्डर के पास, वहाँ से नेपाली गाड़ी। अच्छा, मतलब यहाँ से आपको आप यहाँ तक छोड़ दीजिए, फिर वहाँ से नेपाली गाड़ी जो बॉर्डर वाला जो लगा वो वही ना? ठीक है, तो 20 रुपये, 20 रुपये ना, चलिए तो आपको 20 रुपये लग जाता है। और 20 रुपये लेके टेम्पू वगैरह करके आप जा सकते हैं, और फिर वहाँ से आप फिर दूसरा टेम्पू मिलेगा आपको बीरगंज के लिए। तो यानी कि पार करने के बाद जब बॉर्डर पार करेंगे तो वहाँ से आपको टेम्पू वगैरह मिल जाएगा। तो फिर वहाँ से आप पकड़ के फिर उसका किराया भी देखते हैं कि कितना पड़ता है। तो इस तरीके का पूरा मैनेजमेंट है। अभी ये देख रहे हैं भाई, ढाला जो है बंद पड़ा हुआ है, सिग्नल जो है बंद है। तो अभी बंद है, तो इतना भीड़ आप देख सकते हैं पीछे काफ़ी भीड़ है। तो ये भीड़ पहले जो लगता था, 2 साल पहले जब हम आए हुए थे, तो आपने कहीं देखा होगा मेरा वीडियो दूसरे चैनल पे, अपना खेती वाला चैनल, उसमें डाले हुए थे। उसमें लगभग 1.5 लाख व्यू आया हुआ था। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। उम्मीद है कि इस वीडियो में भी, जो ब्लॉगिंग का मैंने चैनल जो स्टार्ट किया हुआ है, तो उसमें आपका सपोर्ट मिलेगा। तो वही देख सकते हैं, 2 साल वही अंतर मैं देख रहा हूँ कि 2 साल पहले जब हम आए हुए थे तो ये पुल जो है चालू नहीं था। ये जो पीछे पुल देख रहे हैं बाइक वगैरह के लिए, बाइक साइकिल के लिए, तो अभी चालू हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा रश कम हो गया है। तो ढाला के पास आने के बाद आपको यहाँ से घंटाघर के लिए ना, बहुत सारा घंटाघर के लिए गाड़ी, घंटाघर के लिए आपको गाड़ी मिलेगा। कितने रुपये लगेगा? 20 रुपये। यहाँ पे भी 20 रुपया, मतलब कि वहाँ से जो हम लोग स्टेशन से हमने देखा कि 20 रुपया लग रहा था, तो वहाँ तक नहीं, यहाँ तक आने के लिए 20 रुपया लग रहा था, और यहाँ से फिर आपको 20 रुपया घंटाघर के लिए देना पड़ेगा। तो लगभग आपको 40 रुपया अगर जाते हैं तो लग जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। जो आप नदी देख रहे हैं ना, नहर, यही है बॉर्डर। आधा पुल की तरफ इधर, आधा पुल इधर, ये वाला एरिया आपको इंडिया पड़ जाता है, और इधर वाला नदी के उधर आपको नेपाल पड़ जाता है। तो भाई यही है इसका एंट्री गेट, नेपाल में एंट्री करने के लिए, वीरगंज जाने के लिए यही एंट्री गेट है, यहीं से एंट्री करना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर है ये, मतलब इतना सुंदर है कि भाई इसका बयान नहीं कर सकता आदमी, बहुत ही सुंदर बनाया गया इसको। एक चीज़ है भाई, यहाँ पर मतलब कि बॉर्डर होने के कारण यहाँ पे इतना ज़्यादा चेकिंग वगैरह होता है ना, कि 3-4 जगह चेकिंग होता ही रहता है। मतलब आप कुछ ले के जा नहीं सकते ना, आ सकते हैं, इतने ज़्यादा चेकिंग होता है। कभी मतलब ऐसा होता है कि कभी आप लेते हैं कोई चीज़, धरा गने के बाद उसके बाद भाई आपका पूरा बुरा हाल है। तो इसलिए आप जब भी हैं तो थोड़ा सावधान होकर आएँ, कि कुछ वगैरह इधर उधर का सामान इधर आप ना लें तो ही बेहतर है। या पीछे आप देख सकते होंगे कि वहाँ पे गाड़ी वगैरह रोक के चेकिंग वगैरह हो रहा है। तो ज़्यादा वीडियो बनाने नहीं देते हैं, यहाँ पर आप फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं, बाकी कोई चीज़ आप ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। तो चलिए भाई, टेम्पो वाले भाई ने हम लोग को यहाँ पे बीरगंज पहुँचा दिए घंटाघर के पास, और ये भाई टेम्पो वाले काफ़ी मदद किए हम लोगों को, कुछ इधर घूमने के लिए कुछ बताए हैं, तो वहीं पर हम लोग चलते हैं। और इसके अलावा हम लोग क्या बताएँ कि चलिए भाई फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है ना? चलिए, तो काफ़ी ज़्यादा चेकिंग था, मैं बता दूं कि तीन जगह चेक पोस्ट था, 3 जगह काफ़ी मतलब बेहतरीन तरीके से पूरा चेकिंग वगैरह हुआ है, कि भाई कुछ लेके तो नहीं जा रहे हैं। और इसके अलावा वीडियो भी नहीं बनाते रहते, कि बॉर्डर वाला एरिया है तो आप वीडियो भी अच्छे से बना नहीं सकते हैं। तो इसको देखते हुए आपको चलना है, और फिर आगे आपको आप देख लीजिए, यही घंटाघर यहाँ का मतलब प्रसिद्ध
जगह है, हालांकि हम लोग यहाँ पहले भी आ चुके हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई टेम्पो वाले भाई ने हम लोग को बताया था कि घड़ियलवा पोखरा एक है वहाँ पे जाने के लिए, तो भाई यहाँ पे तो हम लोग आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि इसमें पैसे लग रहा है, यानी कि 30 रुपये लग रहा है, नेपाली 30 रुपये लग रहा है, तो यहाँ पर प्रोग्राम हम लोग अंदर जाने का नहीं बना है, तो भाई अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि पैसे लग रहे हैं अपने को। भाई ट्रैवल ज़्यादा करना है तो भाई पैसे बचाने अपने को, तो हम लोग यहाँ पर नहीं जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग यहाँ से आगे निकल रहे हैं, और फिर जहाँ हम लोग जहाँ से शुरुआत किए थे, फिर वहीं से यहाँ से अब बीरगंज को छोड़ के हम लोग आगे निकल रहे हैं, बाकी फिर देखते हैं आगे कहाँ तक जाएंगे। फ़िलहाल तो बीरगंज अभी घूमने का इरादा बदल गया है, और अब मान लीजिए कहीं जाते हैं तो पैसे वगैरह लग जाएंगे तो फिर ठीक नहीं है वो, तो मार्केट ही एक्सप्लोर करते हैं, मार्केट वगैरह घूमते हैं और घूम के फिर यहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक सिस्टम आप देख लीजिए, यहाँ पर बगल में रोड के किनारे ही पूरा पार्किंग वगैरह का व्यवस्था किया गया है, जहाँ भी देखिए रोड के किनारे वो मोटरसाइकिल साइकिल वगैरह लगा हुआ है। आप इसके अलावा आप मार्केट भी देख सकते हैं बगल में, जो हमारा पूरा भीड़ वगैरह नहीं है और लेकिन गाड़ी लगा हुआ, तो इसका ये मतलब समझा जा सकता है कि भाई ये पार्किंग वाला मतलब पार्किंग के लिए ही है, अच्छा सिस्टम है ये। हम लोग की तरफ मतलब अपने बिहार वगैरह में ऐसा सिस्टम तो देखने को नहीं मिलता है, कहीं आदमी गाड़ी खड़ा वगैरह कर देता है, लेकिन यहाँ ठीक ठाक है, ऐसा ही सिस्टम होना चाहिए हर जगह। तो भाई ये रहा घंटाघर, जिसको अभी बाय बोलने का समय आ गया है, और हम लोग बाय बोल के अब निकलते हैं यहाँ से। बाकी ये सब मार्केट वगैरह है जो सड़क के किनारे लगा हुआ है, बाकी पूरा दुकान वगैरह में पूरा लगा हुआ है, ये चप्पल वगैरह आबी जाबी सब जो भी चाहिए आपको यहाँ पर मिल सकता है आसानी से। आज जो रुकसोल से है, हम लोग आज निकल रहे हैं यहाँ से, यहाँ का ब्लॉग जो है वो लगभग ख़त्म ही हो गया है, वो जो कि आज ज़्यादा कुछ कवर नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे जो है बीरगंज में ज़्यादा कुछ बनाने के लिए है नहीं, तो इसलिए बहुत कम ही कवर हो पाया है, और समय जब बच गया तो हम लोग सोचे कि अब यहाँ से अब चलते हैं, तो यहाँ से हम लोग ट्रेन में बैठ गए और जा रहे हैं दरभंगा। दरभंगा होते हुए जयनगर जाएंगे, तो अगली वीडियो में बताएंगे कि जयनगर क्यों जा रहे हैं। बाकी ये वीडियो यहीं तक है, उम्मीद है कि आपको जैसा भी हो पसंद आया होगा, और मैं एक चीज़ बता दूं कि हम लोग जो है नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं और इधर घूमते हुए ही जा रहे हैं, तो हो सकता है कि अभी वीडियो थोड़ा ज़्यादा अच्छा ना हो, लोकेशन अच्छा ना हो, लेकिन जब एंट्री करेंगे असम वगैरह में तो बहुत अच्छा ही व्यू मिलेगा देखने के लिए, तो वीडियो के साथ बने रहें। और चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।